जरवल रोड बहराइच ग्राम पंचायत टप्पे सिपाह के मथुरा पूर्वा में संत पंकज जी महाराज की शाकाहार सदाचार मद्य निषेध आध्यात्मिक जन जागरण यात्रा अपने 93 पड़ाव पर कल सायंकाल पहुंची। यहां आयोजित सत्संग सभा में अपने संबोधन में संत जी ने कहा कि मानव शरीर साधना का मंदिर है, इसमें प्रभु के पास जाने का दरवाजा है जिसका भेद संत महात्मा फकीर जानते हैं। इस अनमोल मानव शरीर में दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा विराजमान है जिसमें परमात्मा और उसकी परिदृष्टि को देखने का तीसरी आंख शिव नेत्र है और ऊपरी मंडलों से आ रही है देववाणी आकाशवाणी कलमा सुनने का काम। इसे खोलने के लिए प्रभु की प्राप्ति करने वाले संत सद्गुरु की आवश्यकता है। पिछले युगों की अपेक्षा इस कलयुग में बड़ा अंतर हो गया है, इसलिए संतों ने पिछली साधनाओं का निषेध करके प्रभु प्राप्ति की सरल साधना सूरत शब्द योग नाम योग का रास्ता जारी किया जिसे गृहस्थ आश्रम में रहकर आगामी से आसानी से किया जा सकता है। हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इसकी पर्त दर पर्त खोलकर इसे जन सुलभ बनाकर करोड़ों लोगों को इसमें लगा दिया। जब आप इस साधना को करेंगे तो आप ऊपर से आध्यात्मिक मंडलों में आने जाने लगेंगे, आप त्रिकालदर्शी हो जाएंगे, जीवन धन्य हो जाएगा, इसलिए मानव शरीर मिला है। उन्होंने साधना का मार्ग बतलाया व सुमिरन ध्यान भजन की विधि समझाया। महाराज जी ने कहा कि पिता पुत्र में लड़ाई, परिवार में लड़ाई, जातियों में लड़ाई मन की शुरुआत है, इससे नफरत के सिवा आपको क्या मिला, मानव जीवन मिला है। एक दूसरे के निस्वार्थ भाव से सेवा करें, दया करुणा परोपकार गुणों को अपने अंदर उतारें, मानवतावादी बने और आत्मा का कल्याण करें, शाकाहारी व नशा मुक्त बनकर अच्छे समाज के निर्माण में भागीदारी बने। 108 दिवसीय जन जागरण यात्रा ने अपने अंतिम चरण में जिला बहराइच में पुनः प्रवेश किया है। इस अवसर पर रमाकांत चौहान, अवधेश यादव, गेंदरलाल सहित संस्था के कई पदाधिकारी व प्रबंधन समिति व सम्मान्य सभा के सदस्य मौजूद रहे। जय गुरुदेव, मैं संत राम चौधरी जय गुरुदेव आश्रम मथुरा का प्रबंधक हूं और इस समय हमारी जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य संत पंकज जी महाराज हैं और इस समय 108 दिवसीय शाकाहार सदाचार मद्य निषेध आध्यात्मिक जनजागरण यात्रा पर निकले हुए हैं। आज यात्रा का 94 दिन पूरा हो गया है और इस समय हम बहराइच जिले में पुनः प्रवेश किए हैं। इससे पहले भी सितम्बर महीने में बहराइच जिले में हम कार्यक्रम किया था। हमारी यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोग गृहस्थ आश्रम में रह करके थोड़ा बहुत समय भगवान के भजन के लिए भी जरूर दें और साथ ही साथ शाकाहारी हैं तो बहुत अच्छे हैं, नहीं तो शाकाहारी हो जाएं, शराब जैसे नशों का त्याग करें और युवा शक्ति देश के जवान हमारी धरोहर हैं, इनको भी नशों से बचाएँ और अच्छे समाज के निर्माण में भागीदार बने। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अच्छे समाज के निर्माण का कार्यक्रम चलाया था, उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे संत पंकज जी महाराज भी आगे बढ़ रहे हैं। सर आगे जिले में और कोई कार्यक्रम है? हाँ, अभी 29 नवंबर तक का कार्यक्रम इस बहराइच जिले में है जिसमें अभी कैसरगंज होते हुए फखरपुर ब्लॉक होते हुए आगे महसी नानपारा में भी कार्यक्रम है और 29 नवंबर को अंतिम कार्यक्रम वहीं नानपारा के ब्लॉक में ही है।